नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार स्वागत करता हूँ ऑनलाइन टेक्निकल चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम पीएफ में नॉमिनी ऐड करना सीखेंगे ऑनलाइन। पीएफ में नॉमिनी ऐड करने के लिए आपको अपना यानी जिसके नाम से पीएफ अकाउंट है उसका एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, आधार नंबर और आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और एड्रेस होना चाहिए। और जिसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसका पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, आधार नंबर और एड्रेस। वीडियो को आसानी से समझने के लिए मैंने तीन स्टेप में रख दिया है, तीनों इसी वीडियो में है। पहले में हम प्रोफाइल कंप्लीट करना सीखेंगे, जैसे कि फ़ोटो, मैरिटल स्टेटस और एड्रेस मिसिंग हो तो हम उसको कंप्लीट करना सीखेंगे, क्योंकि इसके बिना नॉमिनी नहीं होगा, एरर आएगा। तो पहले प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे, उसके बाद नॉमिनी करेंगे और इसके बाद पीडीएफ ई साइन करेंगे। तीनों काम हम ऑनलाइन करेंगे। प्रोफाइल अपडेट और पीडीएफ ई साइन में जिसके नाम से पीएफ अकाउंट होगा उसके डिटेल फिल करना है, और नॉमिनी में सिर्फ जिसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसका डिटेल फिल करना है। और दोस्तों, पासपोर्ट साइज फोटो आप फोन से क्लिक किए हैं, साइज बड़ा है, अगर अपलोड नहीं हो रहा हो तो आप रिसाइज कर सकते हैं। इसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख के कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पीएफ में नॉमिनी करने के लिए अपने ब्राउजर को ओपन करेंगे और सर्च बार में जाकर टाइप करेंगे epfindia.gov.in और सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद इस तरीके से पेज खुल के आ जाएगा, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप क्लिक करके डायरेक्ट आ सकते हैं। इसके बाद यहाँ देखें KYC अपडेशन मेंबर, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अगला पेज कुछ इस तरीके से खुल के आ जाएगा, यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ डेस्कटॉप साइट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ पे देखेंगे यूएन नंबर और पासवर्ड, यहाँ पे यूएन नंबर फिल करेंगे और यहाँ पे पासवर्ड। और इसके बाद यहाँ नीचे देखेंगे कैप्चा है, कैप्चा फिल करेंगे यहाँ पर। और इसके बाद साइन इन पे क्लिक करेंगे, साइन इन पे क्लिक करते ही लॉगिन होके आ जाएंगे। यहाँ पे एक पॉपअप शो हो जाएगा, इसको चाहे तो आप क्लोज कर सकते हैं और डायरेक्ट यहीं से नॉमिनी फाइल भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लेटर पर क्लिक कर लेता हूँ क्योंकि हमें प्रोफाइल अपडेट करना है। इस प्रोफाइल अपडेट करने के लिए सबसे पहले व्यू पर क्लिक करेंगे और इसके बाद प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे यहाँ पर। इसके बाद यहाँ देखेंगे प्रोफाइल फ़ोटो होगा तो शो हो जाएगा, नहीं तो चेंज फ़ोटो पर क्लिक करेंगे यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ ब्राउज पर क्लिक करेंगे फ़ोटो अपलोड करने के लिए, और आपके गैलरी में फ़ोटो जहाँ भी होगा देख करके सेलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर अपने फ़ोटो को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, नीचे एक और फ़ोटो शो हो जाएगा। यहाँ पे अपलोड फोटोग्राफ पर क्लिक करेंगे आकर के, यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे और देखेंगे फ़ोटो अपलोड हो गया प्रोफाइल फ़ोटो। अब यहाँ पे हमें एड्रेस सही करना है, इसके लिए नीचे आएंगे सबसे नीचे और यहाँ नीचे से सेकंड वाले पेंसिल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इसके बाद देखेंगे एड्रेस वाला कॉलम ओपन हो के आ चुका है। सबसे पहले हमें परमानेंट एड्रेस फिल करना है और इसके बाद यहाँ देखेंगे एड्रेस लाइन 1 और लाइन 2 दिया हुआ है। तो एक कॉलम में आप 30 बार से ज़्यादा टाइप नहीं कर सकते हैं, इंक्लूडिंग स्पेस जो देते हैं उसको भी गिन करके। तो यहाँ पे ज़्यादा लंबा हो एड्रेस आपका तो पहले लाइन 1 में लिखेंगे, फिर लाइन 2 में। और इसके बाद यहाँ सिटी सेलेक्ट नहीं करना है, टाइप करना है यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ स्टेट सेलेक्ट करना है आपको, जैसे मेरा उत्तर प्रदेश है तो मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, ये आ गया उत्तर प्रदेश। और इसके बाद यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे पिन कोड फिल करेंगे। और इसके बाद पिन कोड फिल करने के बाद यहाँ देखिए करेंट एड्रेस, तो करेंट एड्रेस भी सेम टू सेम फिल कर लेंगे। अगर सेम होगा परमानेंट एड्रेस और करेंट एड्रेस तो यहाँ राइट का चेक कर देंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं एड्रेस सेव सक्सेसफुली दिख जाएगा आपको। इसके बाद नॉमिनी करने के लिए मैनेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे ई नॉमिनेशन, यहाँ पे क्लिक करेंगे ई नॉमिनेशन पर। इसके बाद अगला पेज कुछ इस तरीके से खुल के आ जाएगा, यहाँ पे आपका प्रोफाइल डिटेल पूरा का पूरा शो हो जाएगा, आप देख सकते हैं, अगर कोई गलत हो तो सही कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे अगला पेज कुछ इस तरीके से खुल के आ जाएगा। यहाँ पर फैमिली डिक्लेरेशन पूछ रहा है, हैविंग फैमिली, तो यस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर यस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो फैमिली डिटेल मांग रहा है, जो भी आपको यहाँ पर डिटेल फिल करना है अपने नॉमिनी का जिसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं, यहाँ पर आपको अपना कोई भी डिटेल नहीं फिल करना है, जिसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो उसी का डिटेल फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आधार नंबर फिल कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर नाम फिल करेंगे और इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले आप सन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद मंथ सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद डेट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ जेंडर सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद रिलेशन में आपको क्या लगते हैं वो फिल करना है। तो जैसे यहाँ डिपेंडेंट मदर है तो यहाँ पे मदर सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे एड्रेस फिल करना है, सेम टू सेम वैसे ही फिल करना है जैसे प्रोफाइल में करना है। अगर सेम वो एड्रेस प्रोफाइल वाला और आपके
नॉमिनी का, तो यहाँ पे राइट का चेक कर देंगे, एड्रेस अपने आप फिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना है, तो क्लिक हेयर फोटो अपलोड ग्राफ पे, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे। चूज़ फाइल पे क्लिक करते ही आपका गैलरी ओपन हो जाएगा, फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे अपने गैलरी में से, फ़ोटो आ जाएगा। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे, प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे यहाँ पर। इसके बाद नीचे और स्क्रॉल करेंगे, अपलोड फोटोग्राफ पर क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका इमेज सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आ गया है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे देखेंगे मैंने ईपीएफ योजना, इस पे राइट का चेक करेंगे यहाँ पे जहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे चाहें तो आप ए ड्रॉप पे क्लिक करके नॉमिनी में और भी किसी का नाम डाल सकते हैं। अगर आपको नहीं डालना है, एक ही डालना है, तो सेव फैमिली डिटेल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखेंगे फैमिली डिटेल सेव सक्सेसफुली आ जाएगा। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, आपको सेम इंटरफेस नज़र आएगा। सबसे नीचे स्क्रॉल करके आएंगे और यहाँ पे देखेंगे ईपीएफ नॉमिनेशन, यहाँ पे आपका जो भी आपने नॉमिनी का भी डिटेल फिल किया है सभी के सभी शो हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे टोटल अमाउंट ऑफ शेयर, तो यहाँ पे देखेंगे ये सबसे पहले यहाँ पे राइट का चेक कर लेंगे, अगर एक से ज़्यादा होगा तो सभी को कर लेंगे। और इसके बाद ये देखेंगे टोटल अमाउंट ऑफ शेयर में परसेंटेज में टाइप करना है, तो हमारे केस में एक है तो मैं 100% टाइप कर लेता हूँ। आपके केस में अगर एक से ज़्यादा हो, जैसे दो हो, तो 50-50% कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ देखेंगे सेव ईपीएफ नॉमिनेशन, इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर। और क्लिक करते ही अगला पेज कुछ इस तरीके से आ जाएगा, जो कि सेम टू सेम वैसे ही शो हो रहा होगा। ईपीएफ डिटेल सेव सक्सेसफुली आ जाएगा। यहाँ पर सबसे नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ पर देखेंगे ईपीएस नॉमिनेशन, तो वो अभी जो हमने किया ईपीएफ का था, अभी ईपीएस का करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आधार नंबर फिल कर लेंगे, सेम प्रोसेस करना है आपको। सबसे पहले अपने नॉमिनी का आधार नंबर फिल करेंगे यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पे नाम फिल करेंगे, नाम के बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, और यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर रिलेशन आपको टाइप करना है, सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर एड्रेस भी आपको टाइप करना होगा, सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आएगा आपको, तो यहाँ पर एड्रेस टाइप कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, इसके बाद अपलोड फोटोग्राफ पर क्लिक करेंगे, और इसके बाद चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे, अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे, और नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, अपलोड फोटोग्राफ पर क्लिक करेंगे, और ओके पर क्लिक करेंगे यहाँ पर। इसके बाद यहाँ देखेंगे फ़ोटो अपलोड हो गया है। यहाँ पर देखेंगे मैंने ईपीएफ पे राइट का चेक करेंगे, और नीचे स्क्रॉल करेंगे, सेव ईपीएस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे ईपीएस डिटेल सेव सक्सेसफुली आ गया है। नीचे स्क्रॉल करेंगे थोड़ा, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे व्यू पे क्लिक करके अपना पीडीएफ चेक कर सकते हैं डाउनलोड करके कि डिटेल सही फिल हुआ है नहीं। यहाँ पे एडिट पे करके आप एडिट कर सकते हैं अगर कोई गलत फिल हुआ हो तो, और यहाँ से डिलीट कर सकते हैं इसे। यहाँ पे अब हमें ई साइन करना है, तो ई साइन करने के लिए ई साइन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे इस तरीके से पेज आ जाएगा हस्ताक्षर का। यहाँ पे राइट पे चेक करेंगे बाय क्लिकिंग पे, यहाँ पर अगला पेज कुछ इस तरीके से खुल के आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे ई साइन सर्विस, नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे पहले आधार नंबर, फिर वर्चुअल आई डी, फिर यू आई डी टोकन। तो सबसे ईजी रहेगा आधार नंबर से, तो मैंने यहाँ आधार नंबर पर सेलेक्ट कर लिया है। अब जो भी सेलेक्ट करेंगे उसका नंबर फिल कर लेंगे। जैसे मैंने आधार नंबर पर सेलेक्ट किया, तो आधार नंबर फिल कर रहा हूँ, यहाँ पे दिखेगा नहीं, तो यहाँ पे आई पे क्लिक करके देख सकते हैं अपना नंबर चेक करके। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे दो ऑप्शन दिया गया है, आधार टी ओ टी पी और आधार ओ टी पी। तो यहाँ आधार ओ टी पी पे सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद यहाँ गेट ओ टी पी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप गेट ओ टी पी पे क्लिक करेंगे, जो आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओ टी पी आ जाएगा, वो ओ टी पी यहाँ पे फिल करेंगे। और यहाँ पर नीचे देखेंगे आई हेयर बाई पे राइट का चेक करेंगे, और नीचे स्क्रोल करके आएंगे यहाँ पे, और नीचे स्क्रोल करके आएंगे आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे इस तरीके से आ जाएगा, देखेंगे पीडीएफ साइन सक्सेसफुली। यहाँ पे आप देखेंगे तीन डॉट शो हो रहे हैं, आप किसी भी डॉट पे एक पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे अगला पेज कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ से अपना नॉमिनी स्टेटस देख सकते हैं, नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे देखेंगे नॉमिनी सक्सेसफुल। यहाँ से क्लिक करके अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। कभी भी नॉमिनी स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ मैनेज पर क्लिक करेंगे या नॉमिनेशन पर क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं आपको दिख जाए। तो दोस्तों इसी तरीके से आप अपना पीएफ में नॉमिनी कर सकते हैं ऑनलाइन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ जरूरतमंद के साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसे और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना। और दोस्तों पीएफ में नॉमिनी ऐड नहीं किया है आपने तो ज़रूर कर लें इसे, क्योंकि बिना नॉमिनी के आप पीएफ के सभी सुविधाओं का लाभ नहीं ले सकते। और ईपीएफओ द्वारा कभी कभी कोई एक्स्ट्रा सर्विसेज भी ब्लॉक कर दिए जाते हैं जिन्होंने नॉमिनी नहीं किया है उनके लिए। और पीएफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।